नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल के टॉप क्वेश्चंस की, जो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कई बार पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लें। और आज जो क्वेश्चन है वो भौगोलिक आकृति से है, पर्वत पठार किसकी सीमा किससे मिलती है उससे संबंधित है। कल जी दूसरे टॉपिक पर क्वेश्चन होंगे, लेकिन वो भूगोल का ही वीडियो होगा। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। यहाँ पर चार विकल्प दिए हैं आपके सामने, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और मिजोरम। इसका जो सही आंसर है वो है मेघालय। मेघालय की जो सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है। बांग्लादेश का अगर आप नक्शा देखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर मेघालय स्थित है और मेघालय की सीमा मिलती है। मेघालय के साथ साथ में असम की भी सीमा मिलती है। मैं लिख देता हूँ किन किन राज्यों की सीमा मिलती है बांग्लादेश से। असम की मिलती है, त्रिपुरा की मिलती है और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है बांग्लादेश से मिलती है। तो भारत के जिन जिन राज्यों की सीमा बर्मा से मिलती है, नेपाल से मिलती है, आपको पूरा याद करना है, इसलिए ये उदाहरण के रूप में बताया गया है। और इस प्रश्न में मेघालय पूछा गया है, आपके लिए त्रिपुरा पूछा जा सकता है, त्रिपुरा के लिए पश्चिम बंगाल पूछा जा सकता है। इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। जब बात मेघालय की हो रही है तो मेघालय के बारे में कुछ चीजें और आप लोग जान लें कि मेघालय में जो है, मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं वो कॉनराड संगमा है। क्या नाम है? कॉनराड संगमा है। कॉनराड संगमा पीए संगमा के ये बेटे हैं। पहले पीए संगमा रह चुके हैं, वहां के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और मेघालय में लोकसभा की जो है दो सीटें हैं, राज्यसभा की एक सीट है। और इसके बाद में एक बात और यहाँ की महत्वपूर्ण है कि मेघालय में एक प्रणाली है, वो है मात्र सत्तात्मक प्रणाली है। परिवार की जो छोटी बेटी होती है उसी को संपत्ति मिलती है और उसी के लिए दायित्व होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, वो अपने माता पिता के साथ में रहती है। और इसलिए कभी पूछा जाए आपसे कि किस राज्य में मात्र सत्तात्मक प्रणाली है, तो वो राज्य है आपका मेघालय। मेघालय में सबसे ज्यादा वर्षा भी होती है। मासेनराम, चेरापूंजी ये सब स्थान है वहां पर। खासी गारो जयंती नामक पहाड़ियां भी है, खासी गारो जयंती नामक वहां पर जनजातियां भी है जो इन पहाड़ियों में रहती हैं। अब अगला जो प्रश्न है कि बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, उसी से संबंधित है जिसकी हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि आखिरकार बांग्लादेश से कौन कौन से राज्य मिलते हैं। तो आपके सामने है कि मेघालय, असम, ये देखिए यहाँ पर लिखा मेघालय, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा, ये ऐसे राज्य हैं जिनकी जो सीमा है वो बांग्लादेश से मिलती है। इसके बाद में अगर कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा भारत के साथ में सीमा रेखा किस देश की है, तो वो भी आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश के साथ में ही भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा भी है। और 1971 में ये जो है आपको पता होगा पाकिस्तान से अलग हुआ था, पूरी पाकिस्तान इसको कहते थे, और अपनी आजादी के 50 साल ये मना रहा है। और 22 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी भी नेपाल, वो बांग्लादेश जा रहे हैं और उस उपलक्ष्य में वहां पर ये भाग लेंगे, और 22 मार्च को। और इसके बाद में जो अगला प्रश्न है आपका कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन कौन सा है, तो सिक्किम और बिहार जो है ये नेपाल से मिलते हैं। और सिक्किम बिहार के साथ साथ में आपका उत्तराखंड, उत्तराखंड मिलता है और यूपी भी मिलता है, याद रखिएगा उत्तराखंड और यूपी भी मिलता है। तो ये चार राज्य ऐसे हैं जिनकी जो सीमा रेखा है वो नेपाल से मिलती है। और इसके बाद में जो नेपाल के बारे में अगर बात करें तो नेपाल एक लैंड लॉक्ड देश है। लैंड लॉक्ड मतलब होता है भू अवेष्टित देश है, जिस देश के पास अपना समुद्री तट रेखा नहीं होती है उसको भू अवेष्टित देश कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके पास अपनी सीमा रेखा नहीं होती है और उन देशों को भू अवेष्टित या लैंड लॉक्ड देश कहा जाता है। इसके बाद में हम लोग जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं कि निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है। यह तो आपको पढ़ना ही है कि कौन सा पर्वत कितना ऊंचा है, दूसरे नंबर का, तीसरे नंबर का, चौथे नंबर का, और ये भी देखना है कि किस पर्वत की स्थिति कहाँ है। इसके लिए आपको नक्शा देखना होगा, एटलस देखना होगा प्राकृतिक वाला। तो इसका जो सही आंसर है वो ये कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और एवरेस्ट। तो जब आप नक्शा देखेंगे कभी
आपको इस तरीके से ये नक्शा दिखेगा नेपाल का, ये सिक्किम वाला एरिया है, ये भूटान है, ये क्या है, भूटान है, ठीक है, ये इधर, और आपको यहाँ पर दिखाई देगा सिक्किम और नेपाल के बीच में कंचनजंगा, यहाँ पर आपको कंचनजंगा दिखाई देगा, और ये इसी के पास में यहाँ पर धौलागिरी, यहाँ पर अन्नपूर्णा, और ये तुम्हारी एवरेस्ट चोटी हो जाएगी। तो यही आपका क्रम है, पहले कंचनजंगा है, उसके बाद में धौलागिरी है, फिर अन्नपूर्णा है, और फिर ये आपका माउंट एवरेस्ट है। और अगर आपसे कभी पूछा जाए कि भारत की जो चोटी है सबसे ऊंची चोटी गॉडविन आश्विन, तो गॉडविन आश्विन जो है वो जम्मू कश्मीर में है, यहाँ पर K2 भी बोलते हैं उसको, कंचनजंगा 2 भी उसको बोलते हैं, तो उसकी स्थिति जम्मू कश्मीर में है, और वैसे तो वो जम्मू कश्मीर के ऊपर है, POK में चली गई है। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये है आपके सामने 4 विकल्प, इसका आपको सही जवाब देना है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम लोग बात करें तो वो है आपकी अनाई मुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है ये भी याद करना है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है ये भी याद करना है, और जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं सबकी ऊंची चोटियां भी आपको याद करनी है। तो दक्षिण भारत की अनाई मुदी है सबसे ऊंची चोटी, जिसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, कितनी है 2695, इसकी जो ऊंचाई है वो है 2695 मीटर, ठीक है। दूसरा स्थान यहीं पर आता है दोदाबेटा का, नीलगिरी में, तमिलनाडु में है, लेकिन अनाई मुदी आपकी कहां पर है, केरल में है। अगर कभी पूछा जाए कि अनाई मुदी कहां पर है तो अनाई मुदी आपकी केरल में है। उसके बाद में दक्षिण भारत की जो दूसरी ऊंची चोटी है उसका नाम है दोदाबेटा, ये नीचे लिखा हुआ है, ये देखिए नीचे लिखा हुआ है दोदाबेटा, ये क्रम से है। और अगर कभी आपसे पूछा जाए कि पश्चिमी घाट जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पश्चिमी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है वो है कलसुबाई, क्या नाम है, कलसुबाई, कलसुबाई। अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है आपकी महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी पर्वत जो है, महेंद्रगिरी जो चोटी है ये पूर्वी घाट की है और ये पश्चिमी घाट की है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरे नंबर की चोटी कौन सी है, दोदाबेटा। पहले बहुत सारी किताबों में आपको दोदाबेटा भी देखने मिलेगा, लेकिन दोदाबेटा नहीं है, वो जो नवीनतम किताबें हैं उनमें आपको अनाई मुदी सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपको जितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे अरावली के बारे में पूछा जा सकता है कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली की ऊंची चोटी का नाम गुरु शिखर है, क्या नाम है, गुरु शिखर। तो और इसके बाद में अब देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न को, अगला प्रश्न आपके सामने ये आ गया कि निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। छोटा कर देता हूं थोड़ा सा, तो इसका जो सही आंसर है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो तीनों का जो पॉइंट है वो नीलगिरी की पहाड़ियां, ये जो 6 नंबर है नीलगिरी की जो पहाड़ियां है वो केरल, कर्नाटक और ये तीनों के मेन पॉइंट पर है। और इसकी एक विशेषता और है नीलगिरी की पहाड़ियों की, कि यहाँ पर जो ये जो पूरा पर्वत श्रृंखला है ये भ्रंस घाटी पर स्थित है। कभी आ जाए कभी कौन सा भ्रंस पर्वत है, तो भ्रंस पर्वत आपका नीलगिरी है, ठीक है, भ्रंस पर्वत है। और इसके बाद में हम लोग अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है, अरावली है, सतपुड़ा है, अजंता है और सह्याद्री है, बताइए आप लोग। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी एक ही राज्य में फैली है। तो मैं सबसे पहले तो बता दूं कि अरावली जो है राजस्थान से लेकर दिल्ली तक है, और इसी तरीके से सतपुड़ा जो, सतपुड़ा की बात करें तो ये मध्य प्रदेश से लेकर के गुजरात तक है, और अजंता की बात करें तो यही इसका सही आंसर है, अजंता आपका महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, केवल महाराष्ट्र में अजंता स्थित है। सौराष्ट्र तो जो पूरा पश्चिमी घाट की जो पर्वत श्रृंखला है वो पूरी सौराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में आपका अजंता स्थित है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में, कहां पर, औरंगाबाद, औरंगाबाद।
जहां पर औरंगजेब की वहीं पर कब्र भी है। इसके बाद में हम लोग आप देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, माउंट एवरेस्ट कहाँ है। वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करेंगे तब तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, अगर लाइक शेयर नहीं करेंगे तो फिर आपको बस केवल सूचना मिलेंगी, इस तरीके के वीडियोस नहीं मिलेंगे। इसलिए आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें। माउंट एवरेस्ट कहाँ है, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसकी चर्चा की थी और नक्शे में आपको दिखाया भी था। तो माउंट एवरेस्ट की जो वास्तविक स्थिति है वो नेपाल है और इसे सागरमाथा भी कहते हैं। सागरमाथा ऊंचाई इसकी पता होगा आपको 8,848, जो सबसे ऊंचे जो पर्वत है, कम से कम 5-6 पर्वत आपको याद रखने चाहिए। जैसे सबसे ऊंचे जो पर्वत विश्व का वो माउंट एवरेस्ट है। दूसरे नंबर पर आपका जो गॉडविन ऑस्टिन है K2, तीसरे स्थान पर आपका कंचनजंगा है, उसके बाद में लहोत्से और मकालू है। अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, और ये आ गया आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। चांगला जम्मू कश्मीर, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, बोमडीला अरुणाचल, सेला उत्तराखंड। तो ये आपके सामने है और इसका जो सही आंसर है वो नीचे वाला है, ये सुमेलित नहीं है। कौन सा? सेला। सेला उत्तराखंड में नहीं है, सेला जो है वो अरुणाचल प्रदेश में है। कहां पर है? सेला अरुणाचल प्रदेश में है। तो जो प्रमुख जो दर्रे हैं वो दर्रे आपको याद रखने हैं। जैसे उत्तराखंड में सेला नहीं है, उत्तराखंड में जो है नीति दर्रा और माना दर्रा है। क्या है? नीति दर्रा और माना दर्रा है। इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश में शिपकीला इत्यादि दर्रा है। तो ये जितने भी दर्रे हैं आपको याद रखने हैं। देखते हैं अब अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कौन सा है? अगला प्रश्न है 10 नंबर, ये आ गया आपके सामने, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं। तो इसका सही जवाब दीजिए आप लोग, क्योंकि जो ये पूरे प्रश्न है ये भारत की स्थिति से, सीमाओं से, पर्वत इत्यादि से। तो ये आपके राज्य हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? तो 9 राज्य हैं भारत में जो तट रेखा से लगे हैं। आप अगर नक्शा देखेंगे भारत का तो ये नक्शा, अभी मैं बताता हूँ आप लोगों को, ये यहाँ पर सबसे पहले तो आपका नंबर 1 पे आया कौन सा? गुजरात 1 नंबर। दूसरे नंबर पर आपका आएगा महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की सीमा मिली। तीसरे नंबर पर आपका आया फिर गोवा, गोवा के बाद में यहाँ पर आया कर्नाटक, कर्नाटक यहां पर आपका आया कौन सा? केरल, केरल की भी सीमा मिली। केरल के बाद में आपका आया ये तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद में आपका ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद में आपका आया ये उड़ीसा, चिल्का झील वाला उड़ीसा, और फिर यहां पर आपका पश्चिम बंगाल। क्या? पश्चिम बंगाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो जिनकी अपनी समुद्र तट रेखा है। तो भारत में कुल कितनी समुद्र तट रेखा है? अगर लंबाई की हम लोग बात करें तो टोटल जो समुद्र तट रेखा है वो लगभग 7500 मीटर है। कितनी है? 7500 मीटर भारत की समुद्री तट रेखा है। और 5425 जो है मेन स्थल की है, ये वाला स्थल जो है, और लगभग 2200 मीटर की जो है वो द्वीपों की जब सीमा रेखा जोड़ देते हैं तो वो हो जाती है। तो ये भारत की समुद्री तट रेखा है। और आप लोग गौर करेंगे कि जो भी राज्य हैं, उड़ीसा को अगर छोड़ दिया जाए, जिनके पास अपनी तट रेखा है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो केरल हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, सभी राज्य जो है वो लगभग विकसित राज्य हैं। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का क्या नाम है।
तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताइए आप लोग। इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोरोमंडल तट। क्या नाम है? कोरोमंडल तट। अगर आप देखेंगे ये नक्शा अभी जो बनाया था यहाँ पर, तो महाराष्ट्र और गोवा के पास यहाँ पर है कोंकण तट, पश्चिमी घाट की बात बता रहा हूं, कोंकण तट। और कोंकण तट के नीचे यहां पर ये मालाबार तट का केरल के पास का जो है मालाबार तट है, ये मालाबार तट। और जो कोरोमंडल तट है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर, ये आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। और इसके ऊपर जो आंध्र प्रदेश वाला है ये उत्तरी सरकार तट कहलाता है। कौन सा तट? उत्तरी सरकार तट कहलाता है। तो ये भी तट आपको याद रखने हैं। और इसके बाद में अगला जो प्रश्न है कि अंडमान और निकोबार द्वीप में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? ये देखिए, ये चार ऑप्शन है आपके सामने, सैडल पीक, माउंट थ्विलर, माउंट दिया बोलो, माउंट कोयल। इसका जो सही आंसर है वो है सैडल पीक। सैडल पीक जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ की है? ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है। और अंडमान निकोबार द्वीप की अगर बात करें तो यहाँ पर जहां पर सैडल पीक है यहीं से एक नदी बहती है, क्या नाम है? कल्पोंग नदी। एक ही नदी है अंडमान में, कल्पोंग नदी। और अगर केंद्र शासित राज्यों की बात करें तो एरिया के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य केंद्र शासित कौन सा है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। सैडल पीक के साथ में कुछ और भी स्थान है अंडमान में, जैसे कि जारवा जनजाति रहती है। अंडमान में सेलुलर जेल भी है। और जो 10 डिग्री अक्षांश रेखा है, 10 डिग्री अक्षांश रेखा वो अंडमान और निकोबार को अलग अलग बांटती है। सैडल पीक कहाँ पर है? ये उत्तरी अंडमान में है। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान में। 10 डिग्री देशांतर किससे संबंधित है? जो अंडमान और निकोबार को अलग अलग बांटती है। अब आगे आपका बैरन द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? बहुत महत्वपूर्ण, 500 बार पूछा गया है बैरन द्वीप के बारे में, फिर पूछा जाएगा बैरन द्वीप के बारे में। तो अगला जो क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर है जो अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि बंगाल की खाड़ी में, चूंकि बंगाल की खाड़ी में ही आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, और अंडमान में ही जो है आपका बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप इसलिए ज्यादा चर्चित रहता है क्योंकि यह सक्रिय ज्वालामुखी है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। भारत में एक और ज्वालामुखी है जिसके नाम है नारकोंडम, मगर वो प्रसुप्त ज्वालामुखी है। इसलिए आपको याद रखना है कि सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है बैरन। बैरन कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और इसके बाद में है आपका कि श्री हरिकोटा द्वीप अवस्थित कहाँ पर है? श्री हरिकोटा द्वीप जो है वो आंध्र प्रदेश के चिल्का झील के पास में स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप काफी चर्चित रहता है क्योंकि ये अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण का केंद्र है और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। याद रखिएगा, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश का एक जिला है, नेल्लोर जिला। कौन सा जिला? नेल्लोर जिला। वहीं पर आपका सार भी बोलते हैं सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र को, तो वहां पर आपका सार स्थित है। इसलिए काफी हरिकोटा चर्चा में रहता है अक्सर समाचार पत्रों में इसके, और भारत के एकमात्र प्रक्षेपण स्थल भी है। अगला क्वेश्चन आ गया आपका कि लक्षद्वीप टापू कहां पर स्थित है? बताइए आप, लक्षद्वीप टापू जो स्थित है वो है दक्षिण पश्चिम भारत में। कहां पर? दक्षिण पश्चिम भारत में। जैसे आप जब नक्शा देखेंगे भारत का, तो जैसे कि ये बना भारत, तो ये यहां पर आप जो देखेंगे यहां पर आपको लक्षद्वीप दिखाई देगा। तो दक्षिण और पश्चिम भारत में ये लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप की चर्चा इसलिए की जाती है परीक्षा में, इसलिए पूछा जाता है कि ये पहली बात तो ये प्रवाल द्वीप है। क्या द्वीप है? प्रवाल। यहाँ एटॉल इत्यादि पाए जाते हैं। भूगोल के जो विद्यार्थी हैं वो समझते होंगे प्रवाल एक जीव होता है और
उसके शरीर से ये बना हुआ है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप भी भारत का केंद्र शासित राज्य है, और कुल जो है वो 36 द्वीप है। कितने? 36 द्वीप है यहाँ पर। इसके बाद में अब इसकी जो राजधानी है आपको पता होगा कवरत्ती, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती है। 16 नंबर क्वेश्चन आ गया, भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित में से किसके समीप, बताइए। समय मानक रेखा होती है, प्रत्येक देश अपनी अपनी समय मानक रेखा के हिसाब से अपना जो समय है, टाइम है, वो वहां से मानता है, और ये चार विकल्प दिए हैं आपके सामने, और इसका जो सही आंसर है मैं बता दे रहा हूँ आपका, वो इलाहाबाद नैनी, ये मिर्जापुर के पास से होकर के जाती है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। क्या है? पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर है। दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, 4 का मल्टीपल करेंगे तो आपका जो है 5 घंटे 30 मिनट ग्रीनविच का जो समय होता है, 0 डिग्री जो देशांतर होती है, जो ब्रिटेन के ग्रीनविच नामक स्थान से जो रेखा आई है वहां से इसकी जो दूरी है वो 82.5 डिग्री जो देशांतर की है, और लगभग 5.5 घंटे का अंतर होता है। और अगर कभी ये पूछा जाए कि ये जो समय मानक रेखा है भारत की वो कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो जो राज्य है वो है यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। 5 राज्यों को समय मानक रेखा काटती सीधे सीधे ऐसे। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये है आपका अगला प्रश्न, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है, बताइए भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, और आप लोगों ने सुना होगा इंदिरा पॉइंट बड़ा निकोबार में ही स्थित था, 2004 की सुनामी में पूरा गाँव बह गया, और इसका जो सही आंसर है वो बड़ा निकोबार। इसके बाद में अब ये हो गया आपके आज के 17 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।